हेलो गाइस, आराध्य ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हमारा चैप्टर नंबर 4 आपको पता है ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं हम, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे। तो जो पहली बार जुड़ रहा है उसको बता देते हैं भाई, कंप्लीट सिलेबस चल रहा है यहाँ पे 7th क्लास से लेकर 10th क्लास का। तो आपके ब्रदर सिस्टर आपके फ्रेंड सर्किल में कोई भी हो तो आप उनको बोल सकते हैं, रेगुलर स्टडी कर सकते हैं, जो कोचिंग आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चैप्टर 4 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाला हूँ आज, और वो टॉपिक किस वे में है ज़रा समझना। हालांकि टॉपिक आपकी बुक में मेंशन नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैंने उसको एक सेपरेट टॉपिक ही बना लिया ताकि आपका नोट्स के वे में प्रिपेयर हो जाए वो। तो टॉपिक क्या बना आपका, लिख लो इसको, कन्वर्जन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बोल सर टॉपिक क्या है, इतना लंबा था, टॉपिक का नेम ही हो गया, तो ज़रा पहले टॉपिक का नाम ही समझा दो उसके बाद में टॉपिक समझेंगे। तो देखो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपके पास में गिवन होगी और आपको उसको खुद को कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैंने आपको एक इक्वेशन दी कि बेटा आपके पास में है 2x + 5 = 0। आप इस इक्वेशन को मुझे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना के दिखा दो। कहोगे सर वेरिएबल तो यहाँ पे वन ही है और ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में है, सर टू वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे अगर मैंने आपको बोला यहाँ पे -3x + 4 = 0, बेटा इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना के दिखाओ मुझे, ठीक है। यानी कि ओनली वन वेरिएबल आपको गिवन होगा, यानी आपके पास एक लीनियर इक्वेशन होगी जिसमें ओनली वन वेरिएबल होगा, एक्स हो गया, वाई हो गया, ठीक है। हो सकता है कि इस फॉर्म में हो 5 5 -7 = 0, वन वेरिएबल ही है वाई, ठीक है। और मैंने बोला कन्वर्ट करके बताओ मुझे टू वेरिएबल में कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। तो ये आपका हो गया आज का टॉपिक, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, बस आप समझ लो इस चीज़ को, क्योंकि मैं भी ही रेज करूँगा इनको और रेज करके दूसरे क्वेश्चन से समझाऊँगा। लेकिन क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको कि हम करने क्या वाले हैं, कि यू हैव अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, वो आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, आपको कन्वर्ट करना है टू वेरिएबल में। वही लिखा है, कन्वर्जन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे। टॉपिक समझ में आ रहा है, कैसे करेंगे क्या करेंगे वो सब समझना है, मेरा काम है वो तो समझाना, ठीक है। आपको तो बस ये समझना ज़रूरी था जितना अब तक बताया कि एक्चुअल में हम करने क्या वाले हैं, हाउ वो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो छोड़ो टॉपिक को यार, एक सिंपल सी चीज़ समझते हैं, ठीक है। सिंपल चीज़ क्या है, और आपको पता है धीरे धीरे करके मैं घुसा दूंगा टॉपिक के अंदर तो पहुँच जाएंगे। मान लो समझना आप, अगर मैं बोलूँ बेटा 5, ठीक है, आपके पास क्या है 5 है, तो क्या आप 5 को 5 + 0 लिख सकते हो, बताओ भाई 5 है या 5 + 0। बोले सर इसका मीनिंग भी 5 ही रहने वाला है और 5 में 0 ऐड, बोले सर किसी में भी 0 ऐड कर दो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उससे, यानी इस साइड की वैल्यू भी 5 ही रहने वाली है, बस एक लिखने का अलग तरीका हो गया कि 5 को हम 5 + 0 भी लिख सकते हैं। बोले अच्छा, बोले क्या मैं 19 को 19 + 0 लिख सकता हूँ, बोलो सर लिख सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम, बच्चों वाली चीज़ें क्यों बता रहे हो हमें, बोलो सर बच्चों वाली चीज़ों से हम पहुँचेंगे वहाँ तक, क्यों टेंशन ले रहे हो, लिख सकते हैं ना। बोले क्या मैं 12 को 12 - 0 लिख सकता हूँ, बोले हाँ सर 12 में से 0 सब्ट्रैक्ट कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ये अभी 12 ही रहने वाला है, क्या बता रहे हो सर बच्चों वाली चीज़ें, ठीक है। थोड़ा सा एक स्टेप मूव करते हैं, जो मैं 0 ऐड कर रहा हूँ, 0 ऐड करने पे किसी भी नंबर की आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आता, ये पहले भी 5 था, 0 ऐड करने पर भी 5 है, दिस वॉज 19, 0 ऐड करने पर भी 19 है, 12 था 12, 0 सब्ट्रैक्ट करने पर भी 12 है, यानी कि 0 को ऐड करने पे सब्ट्रैक्ट करने पे उस नंबर की आइडेंटिटी में कोई भी चेंज नहीं आता है, दैट मीन्स 0 को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, बोलते हैं, क्यों बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, बोल सर एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है कि 1 होता है, यार याद करो उसको सिंपल तरीके से,
एडिटिव आइडेंटिटी वर्ड को टू पार्ट में ब्रेक करो। एडिशन करने पे आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आता। आइडेंटिटी क्या होती है? उसकी पहचान, ठीक है, वो क्या है, क्या है, ठीक है। यानी एडिशन करने पर भी आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं है। सोचो ऐसा कौन सा नंबर है कि आप एडिशन कर दो, उसका ऐड कर दो, लेकिन उस नंबर में कोई फ़र्क ना पड़े, आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं है, ज़ीरो। ठीक है, अब बात हुई है तो मैं एक वर्ड और लिख देता हूँ यहाँ पे। वन को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो बेटा, कोई भी सब्जेक्ट होता है ना, उस सब्जेक्ट को पढ़ने का यही तरीका है कि अगर उससे रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर बातचीत चल रही हो टॉपिक, तो उससे रिलेटेड टॉपिक को भी कवर साथ के साथ कर लो, ताकि रिवीजन होता रहे। वन को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बोले क्यों बोलते हैं, ज़रा समझ लो इसको। बोले अगर मेरे पास 17 था तो इसको मैं 17 मल्टीप्लाई वन में तो लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास -5 था तो मैं इसको -5 मल्टीप्लाई वन भी लिख सकता हूँ। यानी कि ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करो और उसकी आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो ऐसा नंबर वन है कि आप वन से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो, हर नंबर का वन जा सेम ही होता है। 17 वन जा 17, 19 वन जा 19, 15 वन जा 15, 100 वन जा 100, ठीक है। इसलिए वन को बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब धीरे धीरे करके मैं अपने टॉपिक की तरफ मूव कर रहा हूँ। मैंने बोला कि मैं जीरो ऐड कर सकता हूँ, ये तो साइड का वर्क था, आप एक बार लिख लो इसको, ठीक है, साथ साथ लिख लिया करो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, मैंने अभी एक बात बोली कि बेटा जीरो ऐड करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ कि किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर जीरो बन जाता है। देखो, हम जीरो की प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं आज। किसी भी नंबर में जीरो ऐड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, वो जीरो बन जाएगा, बन जाएगा। ओके, अब ज़रा सुनना, एग्जांपल से समझते हैं। मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 2x+5=0, ठीक है। ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक दो क्वेश्चन में पूरा स्टेप बताऊंगा, उसके बाद आप डायरेक्टली लिख पाओगे खुद ही। अच्छा बेटा सही बताना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2x+0+5=0? बोले हाँ सर, कोई चेंज नहीं है, 2x था 2x है, प्लस 5 था प्लस 5 ही है, इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे जीरो तो ऐड किया है आपने, और इस लाइन में जीरो ऐड करने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज 2x+5 में जीरो ऐड किया तो 2x+5 ही रहेगा, ठीक है। अब जीरो क्यों लेके आए हैं समझा रहा हूँ, क्योंकि हमें टू वेरिएबल तक पहुँचना है इसको। ओके, तो हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ कर ली जीरो की, क्या, कि जीरो ऐड करने पर कोई चेंज नहीं आता। बोले दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करो, क्या? बोले किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करो, वो जीरो ही रहता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0 × y+5=0? बोले क्या किया सर, ज़रा बता दो। ठीक है, रीड करना, ये लाइन है कि नहीं है, मैंने चेंज कुछ नहीं किया, डिफरेंट वे में लिखा है बस। बोले यहाँ पे 2x है, बोले 2x है, ठीक है। बोले 0 × y है, 0 × y, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई, जीरो बन जाता है। यानी कि एक्चुअल में 0 × y का मतलब जीरो ही तो है, ठीक है। बट हमने एक सेकंड वेरिएबल लेके आ रहे हैं, क्यों? बोले हमने, आपने बोला ना सर इसको कि वन वेरिएबल को टू वेरिएबल में कन्वर्ट करो, तो हम एक सेकंड वेरिएबल वाई लेके आए, लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई होके। क्यों? क्योंकि था ही नहीं यहाँ पे वाई। जब कोई चीज़ नहीं होती तो हम बोल सकते हैं लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई हो चुका है वो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2x है, बोले है। बोले 0 × y 0, बोले हाँ 0 था। बोले +5, बोले +5=0 है। या फिर आप इस लाइन को इस लाइन से कंपेयर करो, बोले 2x, हाँ 2x है। बोले 0 × y 0, बोले 0 बोलो चाहे मत बोलो एक ही बात है। और बोले +5 + 5=0। कहने का मतलब क्या हुआ, अब अगर आप इस इक्वेशन को रीड करोगे, कोई भी बोले, कहोगे भाई क्या बोलोगे इसको, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन बट हेयर वेरिएबल आर टू। क्या बोले, x भी है y भी है, बट y का कोफिशियंट क्या है, ज़ीरो। यानी y की टर्म नहीं है वैसे तो, बट हम दिखा सकते हैं कि हाँ y की टर्म है, बट उसका कोफिशियंट क्या है, ज़ीरो है, वो टर्म ओवरऑल ज़ीरो ही है, ठीक है। तो इस लाइन को आप इस वे में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है यही, बट एक अलग तरह हो गया इसको लिखना, ठीक है। एक बार इसको नोट करो,
ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ और बता दो, यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए? बोले ए मीन्स कोफिशियंट ऑफ एक्स टू। बोले व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ बी? बी इज कोफिशियंट ऑफ वाई जीरो। और सी बोला कॉन्स्टेंट टर्म फाइव। कहने का मतलब ये है कि जो वेरिएबल एब्सेंट है आप उसको ला सकते हो, बट उसका कोफिशियंट क्या रखना? ज़ीरो। कोफिशियंट क्या रखना उसका? ज़ीरो, ताकि उसमें कोई चेंज नहीं आए, बस दिखाने के लिए हो गया एक तरीके से। ठीक है, एग्जाम्पल नेक्स्ट। बोले थ्री वाई प्लस सेवन इक्वल टू ज़ीरो। बोले तो कन्वर्ट करो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। बोले कर देंगे। बोले क्या है? बोले डायरेक्टली करके दिखाएं। बोले हाँ करो ना। बोले सर ने अभी एक बात बोली कि जो वेरिएबल एब्सेंट है उसको ले आओ, बट सो कोफिशियंट क्या रखो? ज़ीरो। बोले कौन से वेरिएबल एब्सेंट है? बोले एक्स एब्सेंट है। बोले एक्स को ले आओ, बट सो कोफिशियंट क्या रखो? ज़ीरो। और बोले बाद में थ्री वाई प्लस सेवन तो है ही। हाँ मुझे बताओ इस लाइन में, इस लाइन में कोई चेंज है? बोले नहीं है। क्यों? बोले जीरो मल्टीप्लाई एक्स जीरो ही तो होता है। जीरो हो ना हो क्या फ़र्क पड़ रहा है? बोले प्लस थ्री वाई। बोले प्लस का थ्री वाई है। थ्री वाई कैसा है? प्लस का ही तो है। जब कुछ नहीं लगा साइन तो कैसा लगा? प्लस है। और बोले प्लस सेवन तो प्लस सेवन है, जीरो है तो जीरो है। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट। बोले स्टेप बाय स्टेप। बोले स्टेप बाय स्टेप ऐसे भी कर सकते हो आप इस चीज़ को। बोले नहीं था तो मैंने जीरो ऐड करा। क्या किया मैंने? बोले जीरो ऐड कर दिया। और बोले जीरो को मैंने जीरो मल्टीप्लाई एक्स लिख दिया। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमारा काम क्या हुआ है? लाइन लिख लो एक बार। चलो एक बार यहीं लिखवाऊंगा इसको। ठीक है, जो मैंने अब तक बोला है उसको मैं एक बार लाइन लिखवा देता हूँ। बोलते ना कि अपनी लैंग्वेज में लिख लेना चाहिए, कोई भी कंसेप्ट और नया सीखो तो उसको एक बार अपनी लैंग्वेज में लिख लेना चाहिए। ठीक है, अब मुझे भरोसा है आपके ऊपर पूरा पूरा कि आप लोग अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखोगे। ठीक है, इसलिए मैं अपनी लैंग्वेज दे देता हूँ, उसको लिख लेना एक बार। दो चार बच्चों को छोड़ के नहीं लिखने वाले कोई भी? बोले हाँ ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, क्या होगा कन्वर्जन का रूल क्या निकल के आया? इफ अ वेरिएबल, देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, इज एब्सेंट, अगर कोई वेरिएबल एब्सेंट है, ठीक है, क्लास में कोई बच्चा एब्सेंट है। बोले सर आगे 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 आ गया, कहाँ है? बोले सर जीरो। नहीं है, वही वाली चीज़ हो गई। तो इफ वेरिएबल एब्सेंट ब्रिंग दैट, यानी उसको ले आओ विद कोफिशियंट इक्वल टू ज़ीरो। अगर कोई वेरिएबल एब्सेंट है, चाहे एक्स एब्सेंट हो तो एक्स को ले आओ जीरो से मल्टीप्लाई करके, वाई एब्सेंट है तो वाई को ले आओ जीरो से मल्टीप्लाई करके, और आपका काम चल जाएगा। सिंगल वेरिएबल से टू वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो आप इस लैंग्वेज को। अब मैं आपके सामने लिखवाता हूँ क्वेश्चन, बुक में कैसा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर टू, राइट ईच ऑफ फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन टू वेरिएबल, यानी आपको जो मैं बताऊंगा अभी उन सबको टू वेरिएबल की इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव। 30 सेकेंड दे रहा हूँ, इसको लिखो और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, और एक कोफिशियंट ऑफ ए बी सी भी लिखो, सॉरी कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई भी लिखो, यानी सारे क्वेश्चन लिख के दिखाओ। ए बी सी की वैल्यू निकाल के बताओ जल्दी से। ध्यान रखना बेटा अपना सब कुछ लेफ्ट में आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो। ठीक है, इसको भी करो। चलो फर्स्ट वाला आई होप आपने कर लिया होगा। अब सुनो, पहली बार सबको इधर ले आओ,
बोल सर ले आया एक्स माइनस का फाइव है तो इधर आके प्लस का फाइव हो जाएगा और इक्वल इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू माइनस फाइव इधर लाओ प्लस फाइव हो जाएगा। बोले अब क्या करें, बोले जो एबसेंट है उसको लेके आओ। बोले एक्स तो है, बोले हाँ है। बोले एबसेंट क्या है, बोले वाई एबसेंट है, तो बोले वाई को मैं लेके आ गया जीरो मल्टीप्लाई वाई, ब्रिंग दैट वेरिएबल विद कोफिशियंट जीरो और प्लस फाइव। बनेगी बनेगी, ठीक है। अब चाहो तो आप यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू लिख सकते हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। बोले यहाँ ए की वैल्यू क्या है, बोले जीरो। बोले बी की वैल्यू क्या है, जीरो, और सी की वैल्यू क्या है, फाइव। और हो गई गड़बड़, क्या गड़बड़ हो गई, बोले ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी जब कुछ मल्टीप्लाई में नहीं होता, नंबर प्रेजेंट है बट कुछ मल्टीप्लाई में नहीं। तो एक्स कितने टाइम है, वन टाइम प्रेजेंट है कि नहीं एक्स यहाँ पे, तो ए की वैल्यू है वन, ठीक है। इसको कैसे कन्वर्ट किया होगा आपने, बोले सर पहले सबको लेफ्ट में ले आओ। बोले ओके। बोले वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू टू है, इधर आगे माइनस टू हो जाएगा। बोले जो वेरिएबल एबसेंट है, बोले जो एक्स एबसेंट है सर, तो एक्स को ले आए जीरो कोफिशियंट के साथ में और प्लस का वाई। बोले किसी के मन में तो नहीं आ सर माइनस वाई क्यों नहीं किया बेटा, जब किसी का कुछ नहीं लगा हो तो प्लस लगा होता है। और माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई वाई। जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या समझ सकते हो आप इस चीज़ को, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जीरो मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक्स का कोफिशियंट क्या है, जीरो। वाई का कोफिशियंट क्या है, वन, कुछ नहीं है तो वन होता है। और बोलो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, माइनस टू, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सो दिस इज़ द मेथड वी कन्वर्ट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल एबसेंट है उसको ले आओ। बोले आ जाओ कैसे, विद कोफिशियंट ज़ीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाता हूँ आपको, यहाँ ए बी सी की वैल्यू लिख लेना, ठीक है। बोला टू एक्स इक्वल टू थ्री, बोले क्या करें, बोला टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू, जो इधर प्लस का थ्री बैठा हुआ है इधर के माइनस का होगा। बोले कौन से वेरिएबल एबसेंट है, वाई इज एबसेंट, ले आओ जीरो मल्टीप्लाई वाई और माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो टू मल्टीप्लाई एक्स है, जीरो मल्टीप्लाई वाई और माइनस थ्री, ए इज टू, बी इज ज़ीरो, सी इज माइनस थ्री, ठीक है। और इसका लास्ट पार्ट एग्जाम्पल का कि फाइव वाई इज इक्वल टू टू, तो सबसे पहले तो ये बनेगा फाइव फाइव माइनस टू इक्वल टू जीरो। बोले माइनस टू क्यों हुआ, बोले इधर प्लस का टू बैठा हुआ है, कुछ नहीं है तो। बोले क्या एबसेंट है, एक्स इज एबसेंट, तो जीरो मल्टीप्लाई एक्स, प्लस का फाइव मल्टीप्लाई वाई है ही और माइनस का टू है, बाकी सब तो है, बस एक्स एबसेंट था उसको हमने ले आए विद जीरो कोफिशियंट, ठीक है। तो फिर इसको नोट करो जल्दी से, हाँ जी इसको नोट कर लो बेटा, मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी। तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर वन है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। पहली बात तो जिस जिस बच्चे को इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम आती है, लैंग्वेज से इक्वेशन मिल जाएंगे ऐसे बच्चे होते हैं, ईमानदारी से बोल अपने आप को बोलना कि हाँ आती है, तो ईमानदारी से रखो कि हाँ मुझे आती है प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि हमें सीखना है, छुपा के नहीं रखना चाहिए, ठीक है। उनको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपकी मेहनत लगेगी बट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने सेवन्थ क्लास की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जो चैप्टर नंबर फोर से स्टार्ट किया, जो स्टार्टिंग के वीडियो है ना, स्टार्टिंग के दो तीन वीडियो जो हैं, ठीक है, उनमें पूरा तरीका बताया हुआ है कि कैसे लैंग्वेज से क्वेश्चन कन्वर्ट की जाती है, ठीक है, लैंग्वेज से इक्वेशन कैसे कन्वर्जन होता है, पूरा डिटेल में बताया है, पूरा स्टोरी की तरह बताया है, सोल्व कैसे होता है। तो आप उसके स्टार्टिंग के दो तीन वीडियो देख लेना, ठीक है, और अगर इंटरेस्ट आए तो आगे के भी देख सकते हो, जिसमें पूरा बेसिक बताया हुआ है, ठीक है। तो शर्माना नहीं है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ठीक है, लेकिन सीख लेंगे तो आ जाएगा, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो अपनी वीकनेस को बचा के नहीं रखना है कि नहीं आता नहीं आता, अरे यार कौन मेहनत करेगा, एक बार कर लो मेहनत फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो वहाँ मेरे पूरा डिटेल में बताया है कैसे, एक और मैथमेटिक्स में बता देता हूँ बेटा, जब आप लैंग्वेज से इक्वेशन कन्वर्ट करते हो ना, तो एक एक वर्ड का मैथमेटिकल मीनिंग होता है, मैं इसमें थोड़ा सा बताऊँगा,
उतना डिटेल में नहीं बता सकता जितना सेवन्थ क्लास में बताया, क्योंकि इक्वेशन वहाँ पे स्टार्ट होती है, तो वहाँ बहुत डिटेल में बताया मैंने, ठीक है। हाँ जी, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, ध्यान दो कितने वेरिएबल है यहाँ पे। तो बोले एक तो सर कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमें नहीं पता, तो वन वेरिएबल। इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, बोले कॉस्ट ऑफ पेन भी नहीं पता, सेकेंड वेरिएबल, ठीक है। तो अज्यूम कर लेते हैं क्या कि लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू एक्स रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू वाई रुपीज। और इसको एक बार छोटा सा यहाँ भी लिख लो, कॉस्ट ऑफ नोटबुक को मैंने एक्स माना है और कॉस्ट ऑफ पेन को मैंने वाई माना है। अब हो गया अपना काम वेरिएबल का, अब आपको एक एक वर्ड का मीनिंग आना चाहिए। क्या दी, छोड़ो कोई काम का नहीं है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, इतनी बड़ी लाइन को कॉस्ट ऑफ नोटबुक की जगह हम सिंपली एक्स यूज कर सकते हैं, तो एक्स इज का मतलब होता है इज इक्वल टू, इज हो वॉज हो वर हो विल बी शैल बी कुछ भी हो आर वगैरह सब जितना भी लगा होता है ना, ये इन सब का मतलब होता है मैथ्स में इक्वल टू। तो इज मीन्स इज इक्वल टू। ट्वाइस का मतलब होता है टू मल्टीप्लाई, ट्वाइस का मतलब डबल होता है, और डबल को मैथ्स में क्या लिखोगे, टू मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर को टू से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाए, डबल हो जाएगा, तो इक्वल टू टू मल्टीप्लाई। द कॉस्ट ऑफ पेन दैट इज वाई, ठीक है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हो गए हमारे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। क्या कॉस्ट ऑफ नोटबुक का ज़ूम किया एक्स, कॉस्ट ऑफ पेन को ज़ूम किया वाई, इक्वेशन कैसे बनाएंगे, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस टू मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ पेन वाई। तो आपकी इक्वेशन बन गई एक्स इक्वल टू टू वाई, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू ज़ीरो लिख देना है, यहाँ पे इधर आएगा तो नेगेटिव बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया है, सिर्फ इक्वेशन बनाना ही था इसके अंदर, सॉल्यूशन वगैरह जो है वो बाद वाले वीडियो में बताऊंगा आराम से, आपका चैप्टर चलता रहेगा ये, ठीक है। और आपको पता है ज़्यादा टाइम नहीं लगता चैप्टर ख़त्म करने में, पूरा डिटेल में समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो उसको जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं रोकते हैं, कि और अब बेटा उनको जो भी पढ़ रहे उसको रिविज़न ज़रूर करते रहना, और जो भी बच्चे ने लेट ज्वाइन किया है वो अच्छे से पूरा पुराना जितना भी वर्क है उसको आराम से करता रहे और कुछ मिस ना करे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।